हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे दोस्त, 15 अगस्त वाले दिन जो श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले से जो स्पीच दी, उसके कुछ मुख्य तथ्य बहुत ज़्यादा और लाइमलाइट में रहे। उनमें से कुछ पॉलिटिकल हो सकते हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल हो सकते हैं, कुछ ग्रोथ से रिलेटेड हो सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करने की कोशिश करें, जो मैंने पूरा स्पीच सुना, उससे मैं कुछ चीज़ें जो एज अ इन्वेस्टर, क्योंकि मुझे हर चीज़ पता है क्या दिखती है, मुझे हर जगह दिखता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो और आजकल आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जागरूक भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो उनके स्पीच में जो कुछ तथ्य थे, जिन जिन सेक्टर्स के बारे में उन्होंने चर्चा करी, उन्हीं सेक्टर से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बात करने की चेष्टा करूँगा। टोटल 9 सेक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया, 9 सेक्टर्स के बारे में बताया। उन्हीं सेक्टर्स के बारे में मैं कुछ शेयर से रिलेटेड बात करूँगा, तो आपकी नज़र वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आने वाले 5 साल यही स्पीच तय करेगी कि भारत किस डायरेक्शन में जाने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट का फोकस किसी सेक्टर को सुधारने पर रहेगा, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को लेना ही चाहिए। और अगर आप बहुत अच्छे से स्पीच सुनी होगी, तो आपको भी ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होते हुए यहाँ से देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने जो बोला, वो बोला किसी भी देश की प्रगति का आधार होता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपकी तुरंत घंटी बजनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं आपकी, वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। जिनमें से कुछ कंपनीज मैं आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए, ये सारी कंपनीज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रही हैं। इसके साथ साथ DLF लिमिटेड से रिलेटेड आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बोला है कि जो शहर में जो लोग भाई बहन रह रहे हैं, तो उनके लिए जो किराए पर रह रहे हैं, काफ़ी सालों से किराए पर रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बैंक्स वगैरह होंगे वो लोन प्रोवाइड कराएंगे, वो लोन प्रोवाइड कराएंगे। और जब बैंक्स वगैरह लोन प्रोवाइड कराएंगे, तो इसमें वो भी सस्ते में, इजीली और सस्ते में लोन प्रोवाइड कराएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इससे फ़ायदा किसको होगा, इसको इससे डायरेक्ट फ़ायदा होगा, बैंक्स को भी फ़ायदा होगा, एज वेल एज़ जो भारत देश का नागरिक है उसको भी फ़ायदा होगा। और यहाँ से इन्वेस्टर्स को अपने लिए निकाल के लाना चाहिए, क्योंकि उससे घर बनाने वाली जो कंपनीज हैं, आपकी नज़र वहाँ पर होना चाहिए। उनमें से हो गया एक DLF लिमिटेड। आपकी नज़र जो रोड ट्रांसपोर्ट, जैसे अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो उसमें से आपकी नज़र L&T पर होनी चाहिए। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड से रिलेटेड आपका नज़र ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि वो भी टनल्स वगैरह को बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करके चल रहा हूँ, तो आपकी नज़र L&T हो गया, DLF हो गया, पटेल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये जो कंपनीज हैं, इन सारी कंपनीज पे आपका फोकस होना चाहिए। चलिए, अब दूसरा बात करते हैं, उनका जो कोर फोकस रहा, तो स्पेशली इस समय जो गवर्नमेंट का कोर फोकस है, वो PSU बैंक्स की तरफ बढ़ रहा है आगे। तो PSU बैंक्स की बात करें, तो धीरे धीरे आगे चल के मर्ज भी होंगी, काफ़ी बैंकें मर्ज हो जाएंगी, तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि 4-5 बैंक ही केवल बचेगी, ठीक है। तो अब जो भी बैंक बचे, पर आपको यहाँ से अपने लिए कुछ देखना है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ से हो सकता है, इंडियन ओवरसीज बैंक को आप देख सकते हैं, सेंट्रल यूनियन बैंक को आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देख सकते हैं, तो PSU बैंक पर, यूको बैंक पर आप देख सकते हो। तो PSU बैंक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए, इसके साथ साथ HDFC बैंक पर भी आपकी नज़र होना चाहिए। तो क्योंकि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका नाम HDFC ही है, तो आपको पता होगा HDFC बैंक पर भी नज़र होना चाहिए। पिछले कुछ सालों से HDFC बैंक ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके नहीं दिया है, तो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर किया जाएगा इन्वेस्टर्स को या भारत देश की जनता को, तो डेफिनेटली उसका फायदा कहीं ना कहीं बैंक से भी होगा, क्योंकि बिना फाइनेंस के तो कोई चीज चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो दो सेक्टर से रिलेटेड बात करी मैंने यहां पर, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा हो गया बैंक से रिलेटेड। और जो तीसरा उनका फोकस रहा, वो रहा ड्रोन से रिलेटेड, ठीक है। अब आपकी तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि ड्रोन बनाने वाली कौन कौन सी कंपनियां भारत देश के अंदर है, जिसमें से ZenTech हो गई, कुछ ये कंपनी आपके सामने रही, आपकी नज़र इन कंपनीज पर भी होना चाहिए। जो नेक्स्ट उनका फोकस रहा, वो रहा फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड, तो आपकी नज़र दीपक फर्टिलाइजर जैसी कुछ कंपनीज पर होना चाहिए, ठीक है। दीपक फर्टिलाइजर से रिलेटेड कुछ कंपनी, जैसे वो नैनो यूरिया के बारे में बताते हैं, फर्टिलाइजर्स, अल्टीमेटली फर्टिलाइजर आप समझो, तो फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, आपकी नज़र वहाँ पर होनी चाहिए, जैसे दीपक फर्टिलाइजर हो गया और कुछ ये कंपनीज हो गई, जहाँ पर आपकी नज़र होना चाहिए। नेक्स्ट उनका जो फोकस रहा एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कि भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, क्वालिटी चीज़ें एक्सपोर्ट करे, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए GAEL यानी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, आपकी नज़र वहाँ पर होना चाहिए।
केपीआर मिल पर आपकी नजर होना चाहिए, हालांकि टेक्सटाइल से रिलेटेड है पर इनका 70% से ऊपर यानी कि 75% से ऊपर का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है, तो डेफिनेटली आपकी नजर वहां पर भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपकी नजर में कोई और कंपनीज है इन सेक्टर से रिलेटेड तो आपकी नजर वहां पर भी होनी चाहिए। मेरा कोर फोकस यहां पर है कि भाई साहब ये सेक्टर पहले तो आपको पता हो कि कौन कौन से सेक्टर यहां से अच्छा रिटर्न आने वाले समय में दे सकते हैं, बाकी चीजें तो आप खुद ढूंढ लोगे, ठीक है। इसके बाद जो उस स्पीच का, जो उस भाषण का, जो अधिभाषण का जो टारगेट रहा, फोकस रहा रेलवे से रिलेटेड, तो रेलवे से रिलेटेड जो कंपनीज हैं आपके दिमाग में तुरंत घूमनी चाहिए, IRFC, इरकॉन, RVNL, टीटागढ़ वेगन्स, इसके साथ साथ आपकी नज़र IRCTC पर भी होनी चाहिए, क्योंकि इन सेक्टर्स में भी अगर रेलवे का विकास होगा तो डेफिनेटली इन शेयर्स का भी विकास होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो उनका कोर फोकस रहा एयरोस्पेस सेक्टर को रिलेट, एयरोस्पेस सेक्टर को से और अच्छा बनाने के लिए उनका फोकस रहा, उन्होंने स्पीच का इसको पार्ट बनाया, तो एयरोस्पेस से रिलेटेड जो कंपनीज है आपकी नज़र वहाँ होनी चाहिए, जैसे यह हाल हो गया यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, MTAR हो गया, डाटा पैटर्न हो गया, इसके साथ साथ कुछ ये कंपनीज है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब उनका जो 8वें नंबर पे जो कोर फोकस रहा वो रहा रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज का, ठीक है। तो आपके रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जैसे कि कंपनियां हैं सुजलॉन एनर्जी है, सस्ता अच्छा और टिकाऊ शेयर है, अच्छा रिटर्न भी दे रहा है और पोटेंशियल भी है कि भाई साहब आने वाले समय में यहां से भी शेयर डबल हो जाएगा या हो सकता है, सुजलॉन एनर्जी हो गया। इसके साथ साथ बोरोसिल रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो कंपनीज है आपकी नज़र वहां पर भी हो सकती है। इसके अलावा कोई रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आपको कंपनी मिलती है स्टॉक मार्केट में, वो भी लिस्टेड कंपनी, तो आपकी नज़र वहां पर हो सकती है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो लास्ट जो उनका फोकस रहा वो रहा सी शिप, यानी कि वो समुद्र में जो जहाज वगैरह टहलते हैं ना, जो कनेक्टिविटी से रिलेटेड और जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो हमारा समुद्र के थ्रू यातायात होता है, ठीक है, तो वहां पर उनकी जो नजर रही, तो इससे आपको तुरंत कुछ कंपनी आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, जैसे कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स होनी हो गई, ठीक है, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी हो गई, यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसके साथ साथ GE शिपिंग लिमिटेड जो कंपनी है आपकी नज़र वहां पर होनी चाहिए, कोई और शिपिंग कंपनी हो आपकी नज़र वहां पर हो सकती है। तो मैंने टोटल बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड, फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, एयरोस्पेस से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड और सी शिपमेंट से रिलेटेड, तो आपकी नज़र इन सेक्टर्स पर होनी चाहिए। एज वेल एज मैंने कुछ शेयर्स के एग्जाम्पल दिए, आप कुछ और एग्जाम्पल्स रख सकते हैं, आपकी नज़र वहां पर हो सकती है। फिर भी किसी भी शेयर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना, आप चाहें तो स्पीच जरूर सुन लेना और आपको यहां से ये सारी चीज़ें उनके स्पीच में देखने को मिलेंगी। वीडियो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आप अगर हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेल पड़ी है, मेल के थ्रू आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।